हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और FCI के CEO, ओ सॉरी FCI AG3 का रिजल्ट आ गया है, पर जिस हिसाब से पेपर हो रहा है शायद CEO का ही रिजल्ट होना चाहिए था। रिजल्ट नहीं आया मतलब हमारे रिजल्ट की डेट आ गई, और रिजल्ट आ जाएगा हमारा 28 फरवरी। और अगर इनके पास टाइम होता तो ये 30 फरवरी को भी लेते, पर 30 फरवरी होती नहीं है, इसलिए 28 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। और एग्जाम 5 तारीख को ही है, आप ये पोस्ट में देख भी सकते हैं, यहाँ पूरा नोटिस आया है नीचे, ये FCIAG3 प्री रिजल्ट डेट 28 फरवरी को है हमारी। और हमारा जो मेंस का एग्जाम है, फेस टू एग्जाम होता है इसमें, जो वो हमारा 5 मार्च को है। तो सिर्फ 4 दिन दिए हैं FCI वाले ने, तो 28 को रिजल्ट देखना इनकी साइट अच्छी चले काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, उस हिसाब से और भी चीजें मैनेज करनी होती है, और काफी लोगों का SSC CGL का मेंस भी है। तो हो सकता है कि किसी का 6 तारीख को CGL का मेंस पड़ा हो, क्योंकि उन्हीं दिनों CGL के मेंस भी हो रहे हैं गैस, ये 7 तारीख को। तो आप अपना उस हिसाब से अच्छे से चेक कर सकते हैं कि आपका आपके स्टेट से कितनी दूर पड़ा है, और आपको कहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा, या ऐसी जो भी आपकी चीजें हैं। तो FCI ने काफी बहुत हार्श, मैं बोलूंगा, एक डेट दी है 5 मार्च। तो बहुत पहले से पता लग रहा था, पर जब 20 को रिजल्ट नहीं आया तो सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब 5 को तो नहीं होगा, पर FCI ने बोला ऐसे कैसे। पर अब 5 को ही हमारा पेपर है, मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। FCI का मेंस के मॉक कल से आ जाएंगे शायद, या हाँ कल से आ जाएंगे, क्योंकि वीडियो भी डलते डलते टाइम लग जाएगा। तो कल से FCI मेंस के मॉक आ जाएंगे, तो अगर आपको FCI के मेंस के मॉक देखने हो, टेस्ट बुक के, कि कैसे उनका लेवल है और कैसे सॉल्व वगैरह करें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।